Let's start for today. After session, Bismillah Rahman Rahim. और midterm से पहले तक हम देख रहे थे अपने chapter 5 को और उसमें different market structures जो से हैं उनकी हमने discussion की थी और अब तक हम देख चुके हुए हैं perfect competition को और monopoly को. ये दोनों extreme cases थे. Perfect competition में बिल्कुल कोई कंपटीशन हर वक्त कंपीट है, कोई एडवांटेज नहीं और इंडिविजुअल फर्म जो होती है वो मार्केट के रहम व करम के ऊपर होती है. और दूसरी जानिब जो मोनोपोली थी उसके अंदर हमने देखा कि कोई कंपटीशन नहीं था और मार्केट मोनोपोलिस्ट के रहम व करम के ऊपर होती है और वो प्राइस मेकर होता है, मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है. अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो आज हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उसकी बात हम कर रहे हैं. अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है कि इसमें कुछ हिस्सा मोनोपोली का है, कुछ चीजें हमें मोनोपोली की चीजें नजर आएंगी और कुछ चीजें हमें कंपटीशन की नजर आएंगी. नाउ ये स्ट्रक्चर कहां पे होता है? मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हम जो मार्केट में देखते हैं, मोस्ट वो इसी स्ट्रक्चर के तहत हमें मार्केट नजर आ रही है. चाहे वो आपकी सोप है, साबुन, चाहे वो आपके फैंस हैं, चाहे वो आपके एयर कंडीशनर्स हैं, चाहे वो आपके दूध वाले हैं, एनीथिंग जो आप स्ट्रक्चर देखें कहीं पे देख लें, वो आपको वहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो हमारे पास नजर आएंगे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एलिमेंट के ऊपर होते हैं. पेन बनाने वाले, स्टेशनरी बनाने वाले, एनीथिंग जिसको भी आप डिस्कस करें, चेयर्स बनाने वाले, टेबल बनाने वाले, आपके टीवी बनाने वाले, तो बहुत सारे जो आपके सामने मार्केट की जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो तो हम जिनको हम डे टू डे यूज कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट स्ट्रक्चर नजर आती है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या? एग्जांपल पानी की बोतलें, मिनरल वाटर. मिनरल वाटर पीते हैं ना आजकल, तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने इनका सो मोटो केस भी किया हुआ है कि मिनरल वाटर वाले जनता है वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन से पानी निकाल रहे हैं और उसका गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस पे नहीं कर रहे. अब जब मिनरल वाटर की बोतल लेने जाते हैं तो मिनरल वाटर की बोतल क्या है? वो तो अंदर तो पानी ही है ना. बेसिक क्या है? बेसिक क्या है? पानी. आपको जरूरत किस चीज की है? पानी की. तो मेन जो कंपटीशन है वो तो मौजूद है अपनी जगह पे, चाहे वो नेस्ले है, चाहे वो किनले है, चाहे वो एबीसी, कोई सा भी ब्रांड है, वो जो भी ब्रांड है उनके जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे ए ब्रांड है, चाहे बी ब्रांड है, चाहे सी ब्रांड है, नेस्ले है, एनीथिंग, उसके अंदर आपको क्या चीज मिल रही है? बेसिक उनकी बॉटल के अंदर आपको मिनरल वाटर यानी कि पानी मिल रहा है. ऐसे ही है. तो कंपीट कर रहे हैं ये जो तीन या चार या छह या दस या बारह या पंद्रह या सौ जितनी भी कंपनीज हैं, वो कंपीट कर रही हैं आपस में कि जी हमने पानी बेचना है. वी आर सेलिंग वाटर, वी आर सेलिंग वाटर, वी आर सेलिंग वाटर.
तो पानी बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। तो जो कंपटीशन वाला जो एलिमेंट था वो हमें नजर आ रहा है कि जनाब बिल्कुल कंपटीशन मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कंपटीशन मौजूद है, लोग कंपीट कर रहे हैं। आइसक्रीम बनाने वाले हैं वो हम आइसक्रीम बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो बेसिक क्या बेच रहे हैं? आइसक्रीम। पेन बनाने वाले हम पेन बेचते हैं, पेन पेन पेन, लिखाई करने के लिए जो इस्तेमाल होगा। तो वो तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो उसकी यूजेबिलिटी है वो सेम है। आप जिस नीड को टारगेट कर रही है आपकी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट जिस नीड को पूरा कर रही है वो सेम नीड है, चाहे प्रोडक्ट वो ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, वो सेम नीड को पूरा कर रही है। तो इस वजह से दीज थ्री कंपनीज, दीज थ्री ब्रांड्स आर कंपीटिंग विद ईच अदर कि जनाब आप हमारा पानी इस्तेमाल करें, आप हमारे से हमारी पानी की बोतल खरीदें, हमारे पानी की बोतल खरीदें, तो कंपीट कर रही हैं। ऐसा ही है ना, कंपीट कर रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन क्या होता है, आप जाते हैं मार्केट में, ए वाला कहता है मैं आपको 10 रुपए की पानी की बोतल दूंगा, बी वाला कहता है मैं आपको 15 रुपए की पानी की बोतल दूंगा, सी वाला कहता है मैं आपको 20 रुपए की पानी की बोतल दूंगा। सेम पानी है लेकिन प्राइस फर्क है। प्रोडक्ट सेम थी, आपका इस्तेमाल सेम था, बट अब क्या कर रहे हैं, आप जाते हैं जाके कहते हैं जिस भी बंदे को बेचते हैं, यार पानी की बोतल लेकर आना, नेस्ले की लेकर आना सिर्फ। सर वो महंगी है। नहीं, महंगी की खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ नेस्ले की बोतल लेकर आनी, कोई और बोतल खुदा का वास्ता ना उठा के लेकर आई। सर वो सस्ती है। नहीं, सस्ती से मैंने सस्ती से जान बचानी है, मैंने जान कीमती है कि पैसे कीमती है। अब ये क्या है, नेस्ले की बोतल, नेस्ले का पानी एक ब्रांड बन गया। अब डिफरेंट आ गया, डिफरेंस आ गया, पानी था लेकिन ये नेस्ले का पानी हो गया। नेस्ले का पानी, उसकी बेस के ऊपर सेम प्राइस के ऊपर नहीं बिक रहे तमाम प्रोडक्ट। हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है। होमोजीनियस क्या है, उसकी पैकिंग भी सेम, उसकी शक्ल भी सेम, उसका इस्तेमाल भी सेम, उसकी किसी दूसरे एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड के अंदर कोई जर्रा बराबर फर्क नहीं है। एक ही जैसी प्रोडक्ट बेचनी है। दूध, खुला दूध जिस तरह बिक रहा है वो खुला दूध एक दुकानदार से लें, दूसरे से लें, तीसरे से लें, चौथे लें, से होमोजीनियस प्रोडक्ट है। शक्ल भी नहीं चेंज, उसकी पैकिंग भी नहीं चेंज, उसकी दिखाई देने वाली कोई चीज चेंज नहीं है, सब सेम है। तो वो होमोजीनियस है। यहां पे प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं, प्रोडक्ट चेंज हो गई। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंज आई, किसी ने अपनी बोतल का अंदाज कुछ किया जी, यूं करके ये डिजाइन की बोतल बन गई, किसी ने अपनी बोतल की अंदाज यूं करके इस डिजाइन की बोतल बना दी, किसी ने अपनी बोतल की अंदाज किसी और तरह से किया, ये यूं करके डिजाइन करके बोतल बना दी। तो आपने अपनी यूनिकनेस, इंफ्रादियत, इंफ्रादियत लेकर आए, अपने आप को दूसरों से कंपटीशन से अलग किया, आपने अपना ब्रांड अलग किया, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट की। तो हमें नजर आ रहा है फॉर द सेक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर विल बी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी प्रोड्यूसर्स एंड मैनी कंज्यूमर्स, नॉलेज इज वाइड स्प्रेड बट नॉट परफेक्ट, नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट, नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर्स हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस मेकर, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट डू एग्जिस्ट बट आर लो, बहुत ज्यादा हाई नहीं है जिसमें मोनोपोली में थे,
brand loyalty exists, making demand less sensitive to price. Firm also engage in some form of marketing, ability to make some super normal profit. So ye hame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 characteristics nazar aa rahe hain, features nazar aa rahe hain monopolistic competition ke. A market structure where many sellers produce similar but not identical. Similar the water, similar but not identical. Identical nahi hai, identical nahi hai. Each producer can set price and quantity without affecting the marketplace as a whole. Ji acha ab Anisha ka sawal hai ki sir isme marketing ki baat kahan se aa gayi, ye jo discussion hai. To marketing humne kaha brand loyalty, product differentiation create karni hai. Humne baat ki ki janab aapki jo product hai ye different hogi, kuch na kuch different hogi. Aapne non homogeneous product create karni hai. Non homogeneous product hai, user can set price without affecting non identical product hai. Ab product ki product differentiation create karni hai aapne. Product differentiation. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट किस तरह से होती है? कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है जनाब, रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और कुछ होती है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल होती है, कुछ रियल होती है. रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं. सोप, सोप के अंदर हमने कहा कि जनाब सोप के अंदर दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं. एक कैटेगरी है, आप जब हमसे बात करेंगे, हम एक हमने जनाब कैटेगरी बनाई हुई है जिसको हम ब्यूटी सोप कहते हैं. और एक है मेडिकेटेड सोप, मेडिकेटेड सोप. ऐसे ही है ना, ब्यूटी सोप जी, लक्स ब्यूटी. आप ऐसे ही से लगाएंगे आप खूबसूरत हो जाएंगे. आप दूसरा सोप रेक्सोना आपकी ब्यूटी सोप है जी, वो प्रोडक्ट. अब सोप के अंदर मजदूर बेसिक प्रोडक्ट कौन सी थी? सोप. सोप के अंदर रेक्सोना, लक्स, उन्होंने इस मार्केट को, इस एरिया को टारगेट किया कि जनाब हम ब्यूटी सोप बनाते हैं. आपको अगर अपनी ब्यूटी को क्या ख्याल रखना है तो आप डव इस्तेमाल करें, आप रेक्सोना इस्तेमाल करें, आप लक्स इस्तेमाल करें. अपनी प्रोडक्ट को तमाम सोप, वरना तो तमाम साबुन तो एक जैसे थे, चाहे लाइफ बॉय होता, चाहे वो डेटोल है, चाहे वो आपका एबीसी गाय सोप, जो भी है वो एक क्या बना रहा था, साबुन बना रहे थे. लेकिन उस साबुन में से अपने आप को आपने अलग किया, बाकी लोगों से अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन क्रिएट की. और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आपकी कौन सी है? रियल. और रियल सेंस में कैसे है कि आप एक्चुअली कह रहे हैं ना भाई, मेरे इंग्रेडिएंट्स देखो और उनके इंग्रेडिएंट्स देखो. मेरे इंग्रेडिएंट्स में जनाब हल्दी है, हमारे इंग्रेडिएंट्स में मुल्तानी मिट्टी है, फलाना है, ये है, वो है, और इसकी वजह से आपकी स्किन खूबसूरत हो जाती है. आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को दूसरों की प्रोडक्ट से अलग कर रहे हैं. कहने को दोनों सोप है, बट यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. और दूसरी जानब मेडिकेटेड सोप, लाइफ बॉय, डेटोल, आप हमारा इस्तेमाल करें, मेडिकेटेड सोप है,
99.9% जर्म्स जो से हैं वो खत्म हो जाएंगे आपके। तो आप अपनी प्रोडक्ट को गाय सोप रिक्सोना उस सब से आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया। तो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी पड़ती, रियल सेंस में यहां पे हो रही है, एक्चुअल भी वही होगी, ऐसा ही है ना। मार्केटिंग के अभी आपको चीजें क्लैरिटी के साथ समझ आ रही हैं। और दूसरी जानिब से, दूसरी जानिब क्या कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर्टिफिशियल भी क्रिएट की जाती है। कैसे क्रिएट की जाती है? मिल्क जनाब, आप दूध पीते हैं, डब्बे का दूध पीजिए, डब्बे का दूध सेहत के लिए जरूरी। अगर आपने पैकेज्ड दूध नहीं पिया तो आपका, आप अपने बच्चों को खतरनाक बीमारियों वाला दूध पिला रहे हैं, खुला दूध जिसको ओपन कह रहे हैं आप, खुला दूध जिसको कहते हैं, पैकेज दूध पिलाइए। इसको हमने यूं किया होता है, 10 layers इसकी पैकिंग होती है, इसको हम प्रोसेस करते हैं, इसका हम ये करते हैं, इसका हम वो करते हैं, इसमें जरासीम आ ही नहीं सकते, फलाना नहीं हो सकता। तो आप प्राय मेहरबानी जरूर अपने बच्चों का अगर ख्याल रखते हैं तो आप जरूर उनको पैकेज्ड मिल्क पिलाइए। अगर आप उनसे दुश्मनी है तो उनको आप खुला दूध पिलाएं। खुले दूध के अंदर जरासीम होते हैं, हाइपेटाइटिस होता है, उसके अंदर फलाना क्या क्रिएट किया जा रहा है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है या नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना कि पैकेज दूध जो था वो भी, उसके अंदर भी, उसके अंदर जो केमिकल्स मिला रहे हैं, उसके अंदर जो चीजें मिला रहे हैं वो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हैं, इसी तरह से खुले दूध के लिए। लेकिन ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट की जा रही है। इसमें से शैम्पू, शैम्पू के अंदर भी आपको नजर आएगा जी, शैम्पू आप अगर घने लंबे बाल चाहिए तो आपको ये शैम्पू इस्तेमाल करें। हेड एंड शोल्डर के अंदर ही 10,000 किस्म की उनकी अपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जी। अगर आपको सॉफ्ट बाल हैं आपके तो उसके लिए ये इस्तेमाल करें, खुश्क बाल हैं, हार्ड हैं उसके लिए ये करें, आपके इस तरह के बाल हैं उसके लिए ये वाला शैम्पू हम आपको दे रहे हैं। वो आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस वेरी करने के लिए, मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट अपने कंपटीशन से हटने के लिए, मोनोपोली वाली सिचुएशन लाने के लिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए आपको ये सारी चीजें कही जा रही हैं। रियल और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट की जा रही है। अब वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कहां से होती है, कैसे क्रिएट की जाती है, ब्रांड लॉयल्टी कैसे क्रिएट की जाती है, जो हमने कहा जी नहीं नहीं भाई नेस्ले के ही पानी लेकर आना। ब्रांड लॉयल्टी कैसे क्रिएट की जाती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है आपको। यू हैव टू स्पेंड मोर ऑन मेकिंग योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट। जब आप अपनी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करवा लेते हैं देन यू कैन चार्ज प्रीमियम, आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट नहीं करवाएंगे आप प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकेंगे। अब ये जो प्रीमियम चार्ज करने की एबिलिटी है, प्रीमियम चार्ज करने की एबिलिटी, ये हमें पता है कि मोनोपोली के अंदर ही होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसी वजह से इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट द कंपटीशन बट विद इन दैट कंपटीशन सर्टन एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड दिस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन gives the company, the firm, monopolistic power within the market. Clear है जी? Understand? तो ये basic market structure है जो monopolistic competition के अंदर हमें नजर आता है। और इसमें आप market से you can extract सुपर नॉर्मल प्रॉफिट टू। आपको जैसे हमने उसमें देखा था परफेक्ट कंपटीशन में हम नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें मोनोपोली में भी हम परफेक्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, इसमें भी हमारे पास चांसेस होते हैं।
बैरियर्स टू एंट्री का भी समझ आ गई, कोई और चीज इसमें तो समझने वाली जिस चीज की समझ ना आई हो। कोई समझने वाली चीज नहीं है। अच्छा जी चले, तो इसको हम इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख लें कि हाउ आवर ग्राफ विल बी प्रेजेंटेड फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और हमने ये चीज डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इसमें हमारी एमआर और एआर, एआर और एमआर विल बी फ्लैटर देन आवर मोनोपोली। इसमें सिर्फ ये फर्क है, मोनोपोली में क्या था, मोनोपोली में ये था, ये एमआर था और ये एआर था, याद है। मोनोपोली में ये सिचुएशन थी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा एम आर और ए आर फ्लैटर होगा। इसमें हमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक होगी, और मोनोपोली के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम इलास्टिक थी। हमने ये चीजें डिस्कस कर चुके हुए जब हमने मोनोपोली की चीजें देखी थी, उसको हमने डिस्कस कर लिया था उसके साथ ही इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। क्लियर है जी, कोई इसके अंदर मुश्किल तो नहीं। चलो अच्छा, और हमारी जो कर्व्स हैं वो जो दिस इज ए सी, एसी कर्व हमारी ठीक नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? लोएस्ट पॉइंट इधर है भाई, ये लोएस्ट पॉइंट है, अगर कुछ आगे पीछे भी हो रहा था। और हमने क्या देखा था, इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, इक्विलिब्रियम इज on MC is equal to MR, यहाँ पे this is our equilibrium point, ये हमारी cost है, ये हमारा revenue है, ये revenue, ये cost, this is our super normal profit, clear है? तो मुश्किल तो नहीं है, ये चीजें वही हैं जो सारी हम पहले देख चुके हुए हैं। Then we have normal profit. इसमें short run की बात कर रहे हैं, short run में इक्विलिब्रियम किधर है जी, और यहां पे ही हमारी कॉस्ट भी है और यहां पे हमारी रेवेन्यू है, दोनों सेम पॉइंट के ऊपर है। लेट्स गो टू द बुक, इसमें देखें जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शॉर्ट रन के अंदर
ऑफिशियल कंपटीशन, शॉर्ट रन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वही चीज़ें हमारी AR, दिस इज MR, ये AC, MC, MC इज इक्वल टू MR, ये R, ये C, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर रहेगा, लॉन्ग रन के ऊपर, लॉन्ग रन में दिस इज AR, दिस इज MR, दिस इज MC, दिस इज एवरेज, और आप नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर रहेंगे क्योंकि परफेक्ट आपकी कंपटीशन तो मौजूद है। तो अगर आपने लॉन्ग रन के अंदर पर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते तो उससे क्या होता कि लोग, दूसरे लोग भी आ जाते और इस वजह से आपका प्रॉफिट एरोल्ड हो जाता, प्रॉफिट खत्म हो जाता। यही वो हम सब नॉर्मल प्रॉफिट की और वो सारी चीजें बातें। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिंपल हमें पता है कि आपका मोनोपोली की पावर भी है और कंपटीशन भी है और उसी को ही हम मैनेज कर रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है जी, आज के दिन के लिए इतना ही, और इसको आप मज़ीद देखिएगा, जो कोई इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का इशू हो, उसको मज़ीद कल डिस्कस कर लेंगे, और कल फिर इंशाल्लाह हम अपना ओलिगोपली को कंक्लूड शुरू करेंगे और परसों से कंक्लूड करेंगे और फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ चल पड़ेंगे।